हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। पिछली वीडियो में हम लोग ने परफेक्ट कार्टेल को डिस्कस किया था। हम लोग कोलुसिव ओलिगोपोली को डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने परफेक्ट कार्टेल को डिस्कस किया था। उसकी सेकेंड काइंड है मार्केट शेयरिंग कार्टेल। तो इस वीडियो में हम लोग मार्केट शेयरिंग कार्टेल को डिस्कस करेंगे। देखिए, जिस तरीके से परफेक्ट कार्टेल एक एग्रीमेंट था बिटवीन द कॉम्पिटिटर्स, ये भी उसी तरह का एक एग्रीमेंट है बिटवीन द कॉम्पिटिटर्स टू डिवाइड द मार्केट और मार्केट्स, अगर मार्केट ज्यादा है, बाय एग्री नॉट टू कॉम्पीट फॉर ईच अदर्स कस्टमर। यानी यहां पर भी एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है ताकि कंपटीशन ना हो एक दूसरे के कस्टमर्स में। यानी मेरे कस्टमर्स इधर मेरे हैं और तुम्हारे कस्टमर तुम्हारे। यानी एक मार्केट है, टोटल मार्केट, मान लीजिए दो प्रोड्यूसर हैं, दो ओलिगोपोलिस हैं, कर दिया गया ये ए का है और ये बी का है। ए अपना प्रोडक्ट इधर बेचेगा और बी अपना प्रोडक्ट इधर बेचेगा। तो यहां पर जितनी भी फर्म्स होती हैं वो सिर्फ मार्केट को शेयर करती हैं, बाकी पावर उनके पास रहती है। ठीक है, अब ये फर्दर, ये मार्केट शेयरिंग कार्टेल जो है ये दो तरह का होता है। एक होता है नॉन प्राइस कंपटीशन, नॉन प्राइस कंपटीशन, और दूसरा कहलाता है कोटा सिस्टम। ये दो तरह के सिस्टम होते हैं। ये जो नॉन प्राइस कंपटीशन है, इसके अंदर ये जो वर्ड खुद बता रहा है कि किस तरह का कंपटीशन होगा आपस में, यहां पर प्राइस पर कंपटीशन नहीं होता। ये आप इसको लूज फॉर्म ऑफ कार्टेल भी कहते हैं। इस पहले वाले को लूज फॉर्म ऑफ कार्टेल भी कहते हैं। ये भी कार्टेल होता है लेकिन थोड़ा लूज होता है। लूज किस वजह से होता है, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर जो रिजिडिटी होती है लाइक इन परफेक्ट कार्टेल, वो यहां पर नहीं होती है। इस सिस्टम में लो कॉस्ट फर्म्स ट्राई टू सेल आउट देयर प्रोडक्ट ऑन लो प्राइसेस एंड हाई कॉस्ट फर्म्स ऑन हाई प्राइसेस, लेकिन अल्टीमेटली वो ऐसा कर नहीं पाते हैं। वो जाकर फिर एक जगह प्राइस को तय कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी फर्म एक लिमिट तक पैसे कॉम्पीट कर सकती है प्राइस में, उसके बाद नहीं करेगी। तो यहां पर प्राइस तो एक जगह जाकर तय हो जाते हैं लेकिन बाकी सारी चीजों में वो कॉम्पीट करती हैं। जैसे वो कॉम्पीट करती हैं अपने प्रोडक्ट के कलर में, उसके डिजाइन में, शेप में, पैकिंग वगैरह में, यानी और जितनी भी उनकी सेल को प्रमोट करने वाली चीजें हैं उन सारी चीजों में वो कॉम्पीट करते हैं लेकिन प्राइस में नहीं करते। और इसीलिए जो फर्म्स होती हैं जो एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करती हैं उनका खर्चे ज्यादा आ जाते हैं, उनकी स्पेंडिंग ज्यादा हो जाती है, कॉस्ट बढ़ जाती है, तो वो ज्यादा प्राइस पर बेचना चाहते हैं। जिनकी कॉस्ट कम होती है वो कम पर चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। होता यह है कि उन्हें प्राइस एक जगह सेट करने होते हैं और बाकी सारी चीजों में वो अपने कॉम्पिटिशन को चला सकते हैं, प्राइस चेंज नहीं कर सकते। ये इस कार्टेल का सिस्टम है। लेकिन होता क्या है कि ये कार्टेल जो है बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, इसमें अनस्टेबिलिटी ज्यादा होती है। होता क्या है कि वो फर्म जिसकी कॉस्ट कम आ रही है वो क्या करेगी, वो चीट करने के लिए खामोशी से अपने प्राइस को थोड़ा कम कर देगी और सारे कस्टमर्स को अपनी तरह खींच लेगी। जब दूसरी फर्म को कुछ टाइम बाद पता चलेगा कि मेरे कस्टमर सब इधर जा रहे हैं तो वो क्या करेगी, वो अपने घटा देगी। फिर इसी चक्कर में ठीक है, थोड़ा प्रॉफिट उसका कम हो रहा है लेकिन उसने घटा दिया अपने कस्टमर, उसके कस्टमर इधर लाने के लिए। अब उसके पास दो तरीके हैं, या तो वो प्राइस तक ले आए या और नीचे ले जाए, तो वो नीचे ले जाता है और इसी तरीके से एक प्राइस वॉर शुरू हो जाती है। यानी फिर एक प्राइस वॉर यहां पर शुरू हो गई और इस तरीके से यहां पर जो कार्टेल एग्रीमेंट होता है वो ब्रेक हो जाता है। यानी इस कहने का मतलब यह है कि इस नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन के अंदर
बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि कुछ फर्म्स की कॉस्ट ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है। जिसकी कॉस्ट कम होती है वो प्राइस को नीचे करने की कोशिश करते हैं, चीट करना चाहते हैं ताकि कस्टमर्स को ज्यादा अपनी तरफ खींच लें, और इसी तरीके से दूसरे को पता चलता है तो वो प्रॉफिट को घटाकर अपने कॉस्ट को कम को प्राइस को कम कर लेता है, और ये प्राइस वार शुरू हो जाती है और जो एग्रीमेंट होता है वो ब्रेक हो जाता है, एग्रीमेंट खत्म हो जाता है। दूसरा जो है वो कोटा सिस्टम है। इस कोटा सिस्टम के अंदर भी फर्म्स एक एग्रीमेंट को साइन करती हैं, जिसमें वो ये तय करती हैं कि सारी फर्म्स, जो भी फर्म्स ओलिगोपोली मार्केट के अंदर हैं, वो सेम प्राइस चार्ज करेंगी। बट द मेन एग्रीमेंट रिलेट्स टू द शेयरिंग ऑफ मार्केट इक्वली अमंग द मेंबर फर्म्स, सो दैट द ईच फर्म गेट्स प्रॉफिट ऑन इट्स सेल। जो इनका मेन एग्रीमेंट होता है वो होता है मार्केट का कोटा कितना मेरे पास, इसीलिए उसको कोटा सिस्टम कहते हैं। हर फर्म को मार्केट का एक कोटा दे दिया जाता है कि इसी कोटे में तुम्हें अपने प्रोडक्ट को बेचना है, ताकि सारी फर्म अपना प्रोडक्ट को बेच सके और प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, अच्छा ये सिस्टम काम कैसे करता है, किस तरीके से इसमें प्राइस आउटपुट को डिटरमिन करते हैं, इसको समझने से पहले हम कुछ अजम्पशंस को स्टडी करते हैं ताकि इस थ्योरी को समझने में हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो हम पहले इसके कुछ अजम्पशंस देखते हैं। अजम्पशंस वही कॉमन है, हमने पहले भी वो स्टडी कर चुके हैं, जैसे टू फर्म्स, फर्म्स दो हो तो किसी भी थ्योरी को, मॉडल को पढ़ने में, समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। बाद में आप उसमें कितनी फर्म्स को बढ़ा दीजिए, एक साथ बहुत सारी फर्म को स्टडी करने लगी तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो सिंपलिसिटी के लिए दो फर्म लेके चलते हैं। दूसरी चीज, होमोजेनियस प्रोडक्ट। दोनों फर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो सेम है, कोई भी फर्म में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही प्रोडक्ट, ऑलमोस्ट एक ही प्रोडक्ट दोनों फर्म्स बेच रही हैं। तीसरी बात, नंबर ऑफ बायर्स लार्ज, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स आप कह लीजिए। बहुत ज्यादा बायर्स होंगे तभी तो मार्केट को सेगमेंट में बांटा जा सकता है और हर एक अलग को कोटा दिया जा सकता है, जिसमें है ना मार्केट शेयरिंग, मार्केट को शेयर उसी वक्त कर सकते हैं ना जब उस प्रोडक्ट की मार्केट ज्यादा हो। मान लीजिए आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसकी मार्केट में सिर्फ चंद ही कस्टमर है, तो फिर आप कैसे बांटेंगे उसको। तो इसके अंदर ये भी एक कंडीशन है कि बायर्स बहुत सारे होना चाहिए। ठीक है, अच्छा तीसरी चीज ये है, चौथी चीज कि जो मार्केट की टोटल डिमांड है, जो मार्केट की टोटल डिमांड है वो गिवन होनी चाहिए और सारे फर्म्स को पता होना चाहिए। मार्केट डिमांड्स गिवन है, यानी हर ओलिगोपोलिस्ट को पता है कि मार्केट की टोटल डिमांड कितनी है और उसका कितना कोटा उसको असाइन किया गया है। ठीक है, पांचवी चीज, जो कॉस्ट है दोनों फर्म्स की वो आइडेंटिकल है, जो दोनों के कॉस्ट कर्व है दोनों फर्म्स के वो हम मान के चलते हैं कि आइडेंटिकल है, दोनों सेम कॉस्ट पर काम कर रही हैं और मार्केट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मार्केट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जितनी भी फर्म्स हैं उनमें उनके हिसाब से मार्केट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, किसी को उस पर एतराज नहीं होना चाहिए, किसी को कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए, कोई ग्रिवांस नहीं होना चाहिए कि मुझे कम मिला, इसको ज्यादा मिला। एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। ठीक है, तो अब हम मॉडल पढ़ते हैं, और एज यूजुअल मॉडल को बनाने से पहले मैं थोड़ा सा ग्राफ बना लेता हूं, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए अब इस फिगर के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से मार्केट शेयरिंग सॉल्यूशन निकाला जाता है, किस तरीके से ओलिगोपोलिस डिसाइड करते हैं कि किसको कितना कोटा देना है, मार्केट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट या शेयर की जाएगी। देखिए, पहले ये एक हम एक
एग्रीगेट मार्केट यानी पूरी इंडस्ट्री को लेकर चलते हैं कि ये इंडस्ट्री का डिमांड कर्व है, पूरी इंडस्ट्री, अभी हम फर्म की बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरी इंडस्ट्री का डिमांड कर्व है मान के चलिए, और ये मार्जिनल रेवेन्यू है। तो ये एग्रीगेट डिमांड, इसीलिए ए जी डी लिखा हुआ है क्योंकि ये एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला है ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है इंडस्ट्री का, ठीक है। अब इंडस्ट्री का ये जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, इसको इस मार्जिनल कॉस्ट कर्व ने, ये एग्रीगेट मार्जिनल कॉस्ट है यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ऑल दी फॉर्म्स, यू कैन से सारी फॉर्म्स का मिलकर जो मार्जिनल कॉस्ट निकल कर आ रही है वो है ये। तो ये दोनों, ये जो मार्जिनल कॉस्ट है ये मार्जिनल रेवेन्यू को कट कर रही है ई पॉइंट पर। ई आप कह लीजिए कि ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये इंडस्ट्री का है, आई बना दिया मैंने ताकि जरा सा पहचान रहे कि इंडस्ट्री का है। ये जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब जब यहां से हमने एक लाइन उठाई ऊपर तक, इसको ए मान लीजिए, ए तक, तो अब देखिए क्या हुआ, जब हमने लाइन खींची यहां से ए तक तो हमें क्वांटिटी मिली ओ क्यू और ओपी प्राइस मिले, यानी अब इंडस्ट्री जो है वो ओ क्यू क्वांटिटी को सेल कर रही है ओपी प्राइस पर। तो प्राइस तो ये फिक्स कर दिए हमारी इंडस्ट्री ने, ठीक है, कि ये पी प्राइस है, और उसने टोटल आउटपुट भी दे दिया कि टोटल आउटपुट हमारे पास ओ क्यू है। अब ये क्या, ये तो बेसिकली मोनोपोली सॉल्यूशन है अभी तक का, यानी पूरी एक इंडस्ट्री, एक या एक फर्म को भी बना लीजिए वो काम कर रही है, मोनोपोली सॉल्यूशन हो गया। अब जिन फर्म्स ने मिलकर ये मोनोपोली बनाई है, अब ये जो आउटपुट है वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट होना है इक्वली। वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, उसके लिए हम क्या करते हैं, अब आप इसको छोड़ दीजिए, इसको ध्यान में मत रखिए। मान लीजिए ये जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व था, अब हम ये मान के चलते हैं कि ये वाला जो कर्व है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, ये फर्म का डिमांड कर्व है। इसीलिए आपने अक्सर लिखा हुआ देखा होगा कि इस कर्व के ऊपर डी ऑब्लिक एम आर लिखा होता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री का मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है और फर्म्स का, इंडिविजुअल फर्म्स का डिमांड कर्व है। जब ये फर्म का डिमांड कर्व हो गया तो इसको फर्म को मार्जिनल फर्म को मार्जिनल रेवेन्यू भी चाहिए, तो ये सेकंड वाली जो थर्ड वाली जो लाइन निकल कर आई है ये फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होगा। अच्छा, अजम्पशन में हम लोगों ने ये अज्यूम किया था कि कॉस्ट कर्व्स सेम है, यानी आइडेंटिकल कॉस्ट है दोनों फर्म्स की। तो ये जो हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व ऑफ द फर्म है एफ और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द फर्म है, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, यानी यही दोनों फर्म सेम कर्व्स को शेयर कर रही हैं, यही दोनों के हैं। अब हमने फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू कर्व मिल गया और सॉरी फर्म्स का डिमांड कर्व मिल गया और फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू कर्व मिल गया, फर्म के हमें एवरेज कॉस्ट कर्व मिल गया और फर्म का मार्जिनल कॉस्ट कर्व मिल गया। अब हम फर्म को देखें कि फर्म का ये जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ये कट कर रहा है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को एट पॉइंट ई एफ, ई इक्विलिब्रियम, एफ फर्म, क्योंकि ये फर्म का है। हो सकता है आपको हर जगह ये सब ये एफ वगैरह लिखा हुआ ना मिले, मैंने सिर्फ ये आपको समझाने के लिए लिखा है कि आपकी समझ में आ जाए। ये मैंने आई लिखा है क्योंकि आपको ये पता रहे कि एक इंडस्ट्री का है, एग्रीगेट है, और ये एफ है यानी फर्म का इक्विलिब्रियम है। अब इस पॉइंट पर जहां पर हमें फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला है, जब हम इसको एक लाइन को उसकी डिमांड कर्व से मिलाएंगे, तो देखिए ये तो क्वांटिटी निकल कर आ गई थी हमारी इंडस्ट्री की आई और ये निकल कर आ गई हमारी एफ की, ठीक है। अब ये जो ओ क्यू एफ निकल कर आया है ये बेसिकली ओ क्यू का हाफ है, यानी ओ क्यू एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओ क्यू आई।
ठीक है, ये जो हमारा है, यानी अब हम ये कह सकते हैं कि दोनों फर्म्स को, एक फर्म को मिल गया उसका कोटा OQF और दूसरी फर्म को मिल गया OQF to QI, ये इक्वल है दोनों। इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया। अब देखिए इस लाइन को जब हमने यहां आगे बढ़ाई है तो ये प्राइस लाइन से टकरा रही है। यहां एक बात समझने वाली ये है कि देखिए ये जो प्राइस लाइन से टकराई है ऊपर, जो इस यहां पर प्राइस है इसके, वो इंडस्ट्री के प्राइस भी एक ही हैं। यानी यहां से जो ये हमारा इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम है, ये भी जाकर उसी प्राइस पर लगा है जहां पर ये चीज समझने की है। क्योंकि अगर ये डेविएट हो जाएगा तो फिर दोनों फर्म्स और इंडस्ट्री के प्राइस डिफरेंट हो गए ना। तो हमें, क्योंकि सेम प्राइस है, जो उसने इंडस्ट्री ने या मार्केट ने जो प्राइस डिटरमिन करके दिए हैं, उन्हीं प्राइस पर फर्म्स को अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो वही प्राइस रहेंगे। और ये देखिए, ये कॉस्ट कर्व था फर्म का, ये कॉस्ट कर्व निकल के आ गई, कॉस्ट निकल कर आ गई। अब ओसी जो है वो कॉस्ट है और ओपी रेवेन्यू, यानी ओपी रेवेन्यू हो गया और ओसी उसकी कॉस्ट हो गई, तो ये सीपी जो निकल कर आएगा ये हो जाएगा प्रॉफिट। यानी दोनों फॉर्म्स अब ओपी प्राइस पर ओक्यूएफ या ओक्यूआई प्रोडक्ट बेचेंगे। यानी दोनों फॉर्म जो है अब वो ओपी प्राइस चार्ज करेंगी और ओक्यू प्रोडक्ट को बेचेंगी, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली ओक्यूआई का हाफ OQF है। यानी अब दोनों फॉर्म्स में जो प्रोडक्ट है वो बराबर बराबर बढ़ गया। यानी अब इतना कोटा तुम बेचोगे, इतना कोटा तुम्हारे पास है और इतना कोटा तुम्हारे पास है, और ये तुम्हारे प्राइस है, ये कॉस्ट है और ये तुम्हारा प्रॉफिट है। तो इस तरीके से ये सिस्टम काम करता है। लेकिन अगर हम इसको रियलिटी से कंपेयर करें तो जाहिर है यहां तो हमने दो फॉर्म लिए हैं। अब अगर नंबर ऑफ फॉर्म्स ज्यादा होती हैं तो जो ये मार्केट का शेयर है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरी चीज, हमने अज्यूम करके चला है कि हमारी दोनों फॉर्म्स के जो कॉस्ट कर्व्स है वो सेम है, आइडेंटिकल कॉस्ट है। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, किसी फॉर्म्स की कॉस्ट ज्यादा होती है, किसी फॉर्म की कॉस्ट कम होती है। तो इस वजह से ये सिस्टम, जिस फॉर्म की कॉस्ट ज्यादा है वो थोड़े हाई प्राइस पर बेचने की कोशिश करेगा, जिसकी फर्म की कॉस्ट बहुत कम है वो प्राइस को घटाने की कोशिश करेगा। और इसी तरीके से एक जो इक्विलिब्रियम प्राइस निकल कर आए हैं उससे या तो कोई ज्यादा बेच रहा होगा या उससे कोई कम बेच रहा होगा। और इसी तरीके से इस ओलिगोपोली में, इस कार्टेल में प्रॉब्लम आती है और जो एक कार्टेल एग्रीमेंट है वो ब्रेक कर दिया जाता है, टूट जाता है वो, ठीक है। लेकिन ये एक सिस्टम है जो चलता है, बन जाता है, चलता है, फिर टूट जाता है, इस तरीके से काम करता रहता है। अच्छा, अब एक चीज आती है, मान लीजिए ओलिगोपोलिस काम कर रहे हैं अपने सिस्टम पर, ठीक है, लेकिन थ्रेट मिल रही है एंट्री की, थ्रेट टू एंट्री, ठीक है। यानी लगातार फॉर्म को, जो हमारे ओलिगोपोलिस्ट हैं, उनको किसी एंट्री की थ्रेट मिल रही है। कोई नई कंपनी है जो इंडस्ट्री के अंदर आना चाहती है। यहां तक हम लोगों ने अब तक सिर्फ यही किया ना कि हमारे पास अज्यूम है दो ही कंपनीज हैं, दोनों मिलकर एक इंडस्ट्री बनाई हुई है। लेकिन रियलिटी में थ्रेट मिलती है, बाहर से कोई कंपनी आके ज्वाइन करना चाहती है। अब उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए जब वो फॉर्म वापस, एक फॉर्म अंदर आ जाती है तो जाहिर है वो अपना प्रोडक्ट वो देखती है कि यहां तक के प्राइस पर बेचे जा रहे हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो मैं बेचना शुरू कर दूं अपना आगे। अब वो जब फॉर्म आके अपने प्रोडक्ट को बनाकर मार्केट में बेचना शुरू करती है तो उससे क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग फॉर्म्स हैं उनकी सेल्स और प्रॉफिट रिड्यूस हो जाते हैं। जाहिर है कुछ कस्टमर अब नई फर्म ने ले लिए तो जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं उनके प्राइस पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से उनका सेल कम हो जाती है और प्रॉफिट भी कम हो जाता है। अच्छा, जब सेल कम हो गई
तो यानी उनके पास कैपेसिटी तो है लेकिन सेल कम होने की वजह से वो प्रोडक्ट ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर वो क्या आ जाएंगे, एक्सेस कैपेसिटी में आ जाएंगे, वो एक्सेस कैपेसिटी हो जाएगी यहां पर फॉर्म्स के अंदर एक्सेस कैपेसिटी हो जाएगी, और उस एक्सेस कैपेसिटी की वजह से फॉर्म की कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि अब एक्सेस कैपेसिटी है, कैपेसिटी ज्यादा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, जो कॉस्ट है वो इंक्रीज कर जाएगी, और जब कॉस्ट इंक्रीज करेगी तो अल्टीमेटली प्रॉफिट कम होने लगेगा। यानी अब ये जो हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व है ये अगर ऊपर उठना शुरू कर दे तो जाहिर फिर वो हमारे मान लीजिए यहां आ गया तो प्रॉफिट इतना रह जाएगा। फर्म एक हद तक बर्दाश्त करेंगी उस कॉस्ट को, अगर ये कॉस्ट ऊपर बढ़ते बढ़ते मान लीजिए यहां तक आ गई पी तक, यानी उनका ये सी और पी एक ही जगह आ गया, तो ठीक है नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है, लॉन्ग रन में वो फर्म काम कर सकती है, लेकिन उससे ज्यादा काम, उससे ज्यादा अगर जरूरत पड़ी करने की तो फर्म नहीं कर पाएंगी। ठीक है, अच्छा एक दूसरा सॉल्यूशन ये है इन ओलिगोपोलिस के पास, जो एक कार्टेल बनाए हुए हैं इनके पास, अगर मान लीजिए ये जो जो कार्टेल है वो एक्सपर्ट है, इंटेलिजेंट है, तो वो क्या करेंगे, बजाय इसके कि वो अपनी, जब मान लीजिए दूसरी फर्म आई उसने अपना प्रोडक्ट बनाकर बेचना शुरू कर दिया तो इनकी उस वक्त इनकी सेल्स और प्रॉफिट रिड्यूस हो गया, तो उन्होंने क्या किया, उनको पता है कि अब हमारी सेल और प्रॉफिट कम तो हो ही रहा है, बजाय इसके कि वो अपनी कॉस्ट को बढ़ाना शुरू कर दें वो अपने प्राइस को घटाना शुरू कर दें और नॉर्मल प्रॉफिट पर आ जाए, जो कॉस्ट उनकी पहले थी कॉस्ट वही रखे वहां तक, वहां या उससे थोड़ा ऊपर तक, अपने प्राइस को नीचे तक ले आए वो। उससे क्या होगा, वो जो नया इंडस्ट्रियलिस्ट आया था, वो जो नया फर्म इंटर की थी, वो सीपी प्रॉफिट को देख के इंटर की थी, जब इसके प्राइस ये लोग घटाकर यहां कर देंगे तो जो एक्सेस कैपेसिटी है वो वापस काम करने लगी, क्योंकि उनका प्रोडक्ट फिर बिकना शुरू हो जाएगा उसी स्पीड से, और ये जो फर्म जो इतने प्रॉफिट की वजह से आई थी उसको लगेगा कि अब यहां कुछ भी नहीं है, यहां तो जेब से लगने की बात आ गई, तो वो इमीडिएटली इंडस्ट्री को छोड़कर चली जाएगी। तो इस तरीके से ये सॉल्यूशंस होते हैं, या तो अगर वो कॉम्पीट करते रहते नहीं समझ में आता तो वो अपने कॉस्ट को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, अगर वो इंटेलिजेंट होते हैं और चाहते हैं कि इसकी एंट्री को हम रोके रखें नहीं आए तो वो प्राइस को घटा देते हैं। तो इसी तरीके से ये सिस्टम काम करता है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कुछ एडवाइजेस दीजिए। थैंक यू सो मच।